नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पिजन प्लेनेट और मैं आपका दोस्त भूरा शर्मा। तो भाई, गर्मी की जो बाजी की तैयारी है वो हमने अभी से शुरू कर दी है और हमने काफ़ी अपने कम से कम 20 या 22 पट्टे में हिला चुका हूँ और अब उनको मैं अभी से ही खुराक देनी शुरू करूँगा ताकि वो गर्मी के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके। तो दोस्तों, खुराक अभी से देने का बेनिफिट ये है कि एक तो पट्टे सर्दी से भी बचे रहेंगे और सर्दी में बिल्कुल फिट फॉर रहेंगे और कबूतरों में हमारों में जान इतनी आ जाएगी कि वो गर्मी में बेहतरीन उड़ान का जो है हमें परिचय देंगे, जिससे दिल खुश होगा दोस्तों। क्योंकि पैसे तो देखो खुराक में लगते हैं, लेकिन जब कबूतर आपके अच्छे उड़ते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो भाई, अगर जिन भाइयों को इस खुराक को फॉलो करना है तो आप देख सकते हो कि मैं क्या क्या चीज़ डाल रहा हूँ और इस खुराक को देने का तरीका क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो मैं तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद शाम से इसको मैं देना शुरू करूँगा। तो मैं तैयार करते हुए ही आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर लिया क्या क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों, मैंने लिए हैं इसके अंदर आधा किलो काजू। ये काजू हैं, ये लिए हैं। उसके बाद दोस्तों, मैंने लिए हैं आधा किलो बादाम। उसके बाद मैंने आधा किलो अखरोट गिरी। अखरोट नहीं लेने, अखरोट गिरी लेनी है, ये मैंने ली है। उसके बाद ये हैं दोस्तों चने, ये बिगर छिलके के चने हैं, भुने हुए चने। तो ये मैंने मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक ये हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी सामान हैं सभी के सभी इंसानों में लगा लो, जानवरों में लगा लो, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, खासकर अपने कबूतरों के अंदर। जैसे हम सर्दी के अंदर भाई अपना जैसे गूंद डालते हैं, उसी टाइप में ये कबूतरों का सर्दी का गूंद ही कह सकते हो, या आप सर्दी की खुराक कह सकते हो। ये खुराक खराब नहीं होती है, इसको 3-4 महीने आप चला सकते हो। तो दोस्तों, अब ये दिसंबर चल रहा है, आज जो है 18 दिसंबर है, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये अपनी खुराक लगभग जो है मार्च तक जो है 10 या 12 मार्च तक चलेगी। मैं उसी हिसाब से अपनी खुराक बना रहा हूँ। उसके बाद आगे मैं फिर खुराक में चेंजिंग करूँगा, वो जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अब दोस्तों, सर्दी का सीजन है, इसी मारे हम जो है बादाम जो है बिल्कुल भिगो नहीं रहे, सूखे ही बादाम ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इनको भिगोना नहीं है सर्दी के अंदर, क्योंकि सर्दी में अगर इनको हम भिगोएंगे तो इनकी तासीर बदल जाएगी, तासीर बदलते ही ठंडे हो जाएंगे अगर इनका हमने छिलका उतार दिया तो। ऐसे ही अखरोट है दोस्तों, अखरोट गिरी है, ये गर्म रहती हैं और दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ होती है। इन सारी चीज़ों को अगर आप नेट पर भी चेक करोगे तो आपको रिजल्ट इनका पता चल जाएगा, भाई बादाम की क्या तासीर है, अखरोट की क्या तासीर है और काजू की क्या तासीर है, सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, कबूतरबाजी में अगर आपको अच्छी उड़ान लेनी है तो सबसे पहले आपके पास अच्छी नस्लें होनी चाहिए, उसके बाद आपकी अच्छी उनको डाइट देना, जो पहलवान जो भी तैयार होता है तो उसके बाद दोस्तों डाइट का सबसे बड़ा हाथ होता है और आपकी मेहनत। तो ये तीन चीज़ आपको बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए दोस्तों। भाई, खुराक में हम बेहतरीन खुराक अगर अपने कबूतरों को देंगे तो कबूतर बहुत अच्छे तैयार होंगे और अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे। तो दोस्तों, अब इस खुराक को बनाने का तरीका क्या है, जैसे ये मिक्सी ले ली है हमने, मिक्सी के अंदर हमने तीनों सामान ये ग्राइंड कर लिए हैं। भाई, इसके अंदर काजू भी है और बादाम भी है और अखरोट भी है, ये हमने मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लिया है। ये देख सकते हो आप, इसका चूरा हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों, ये जो बचा हुआ सामान है इसका भी चूरा कर लेंगे। और ये हैं दोस्तों चने, जो हम चने खाते हैं ना, ये भुने हुए चने हैं, बिगर छिलके वाले। ठीक है दोस्तों, यही लेने हैं, बिगर छिलके वाले लेने हैं, आपने छिलके वाले नहीं लेने, नहीं तो उनमें जो छिलका ज़्यादा अट जाता है। अब दोस्तों, इसको क्या करना है, हमें इनको, इन आइटमों को, खासकर इसको गैस के ऊपर हमें भूनना है घी डाल के। घी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, थोड़ी मात्रा में घी लेना है और इसको भून लेना है। जब भी ये भून के तैयार हो जाएगा तो इन सब सामानों का मिक्सर उसके अंदर हमें डाल के हल्का सा ग्राइंड करके बंद कर देना है, ताकि ये जो अभी हल्के फुल्के जो कच्चे हैं ये भी पक जाएं। ये बिल्कुल पक्के आपके बेहतरीन लड्डू की तरह तैयार हो जाएंगे दोस्तों। आप एक फिर लड्डू बना लीजिए और उस लड्डू को आप कहीं भी रख लीजिए अच्छी जगह पे, एक डिब्बे में पैक करके। जितनी भी आपके पास कबूतर हैं, मैं पर कबूतर 3-4 गोलियाँ इनकी देता हूँ। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाएंगे तो दोस्तों इनकी गोली बनाना मतलब आसान होता है।
ये देखिए, मतलब इस हिसाब की गोलियां बन जाती हैं दोस्तों। अभी तो ये कच्चा है, लेकिन थोड़ा सा अब जो विधि मैंने बताई है, जिस तरीके से मैं बनाता हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इस तरीके से जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। और जब भी आप अपने कबूतरों को दाना दे देते हैं, जैसे भाई सर्दी का टाइम है, मैं अपनी बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं 1-2 बजे अपने कबूतरों को 12 बजे के बाद किसी भी टाइम दाना दे देता हूँ, और दाना वाना दे के बिल्कुल फिट फॉर हो जाते हैं कबूतर। तो मैं जब शाम के टाइम उनका पानी वानी हटाने जाता हूँ, तो सभी ये खुराक में यहाँ से जैसे नीचे से ही बना के अपनी ले जाते हैं। भाई पर कबूतर मेरे पास इतने कबूतर हैं, तो मैं इतनी गोलियां उन्हें दे रहा हूँ दोस्तों। ज्यादा नहीं देनी है, 3-4 गोलियां बहुत है, उससे ज्यादा मत देना, क्योंकि आपके कबूतर उड़ नहीं रहे हैं। अगर कबूतर उड़ते हो तो प्रैक्टिस में रहते हैं, तो आप इसकी 6-7 जो गिरी हम आगे चल के बादाम की बताएंगे वो आप दे सकते हो। तो इसकी जो है ज्यादा 3-4 भी बहुत ज्यादा होती है, 3 ही गिरी एक गोली बना के आप अपने कबूतरों को दे। कबूतर आपके एक तो सर्दी से भी बिल्कुल फिट फॉर रहेंगे, और कबूतर ऐसे पटपटी मारेंगे जाल के अंदर कि आपकी दिल खुश हो जाएगा। कबूतरों में चमक बिल्कुल अलग से ही, जो बोलते हैं ना भाई, कबूतर बिल्कुल चमकदार हो चुके हैं, चिकनाई है इसके अंदर दोस्तों सारी की सारी, एक नंबर का कबूतर आपका फिट फॉर रहेगा। और कबूतर देखने में ही आपकी आत्मा खुश हो जाती है दोस्तों, क्योंकि मैं जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने पहले भी फॉलो की हुई है ये चीज़ें, तो अब ये समय आ चुका था कि भाई सर्दी का था, और हमें 2021 में जो कबूतर तैयार करने हैं उनकी मैं अभी से ही तैयारी शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। 1/2 किलो बादाम, 1/2 किलो ये काजू, 1/2 किलो बादाम और 1/2 किलो अखरोट गिरी, और 1 किलो चने लेने हैं दोस्तों, वो भी मिक्सी में ग्राइंड करके। फिर इन सब को अच्छी तरीके से गैस पे डाल के पहले इसको भून लो, उसके बाद थोड़ा घी डाल के भूनना है। ये गाय का घी मिल जाए तो और बेस्ट है दोस्तों, नहीं तो भैंस का तो आप डाल ही सकते हो, और ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों। उसके बाद इनको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके आप पूरा लड्डू सा बना के उसमें रख लीजिए, और अपने कबूतरों को 2-3 गोली के हिसाब से पर डे दाना खाने के बाद, जैसे आपने दोपहर में दाना खिला दिया, शाम के टाइम जब भी आ जाते हो आप अपने कबूतरों को पकड़ो और ये 2-3 गोलियां कबूतरों के अंदर उतारते जाओ, तो कबूतर इससे बिल्कुल ऐसे रेडी हो गए आएंगे 2021 की बाजियों के लिए, भाई साहब मजा आ जाएगा। तो दोस्तों अब यही जो मैं अपने लिए खुराक अपने कबूतरों के लिए बना रहा था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत